नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि अच्छे और सिलेक्टेड लेवल के हैं और आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ एंड ऑप्शन डी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए माउंट कोयल, ऑप्शन बी माउंट थ्विलर, ऑप्शन सी सोडल पीक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोडल पीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मानसून से एंड ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी मानसून से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं चीनी उद्योग के लिए, ऑप्शन बी कोयला उद्योग के लिए, ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग के लिए एंड ऑप्शन डी लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन बी है उर्वरक के लिए, ऑप्शन सी है सीमेंट के लिए या फिर ऑप्शन डी हथकरघा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अखबारी कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी है आपका कथकली एंड ऑप्शन डी होगा आपका दोस्तों कथक। तो उत्तर भारतीय नृत्य में से कौन सा है? ऑप्शन बता चुका हूँ मैं आपके लिए, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी पापापुरी में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पापापुरी में, महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पापापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन हैं उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका गुजरात एंड ऑप्शन डी होगा आपका बिहार। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिनमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा।
एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।